नाम है अनोम जैतन। ये बीआरबी सोसाइटी का अभी जो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो एक एसयू और ऑल एवर दैट ये अभी केस है तो इट इज़ इन पब्लिक डोमेन। तो पब्लिक डोमेन है, सब लोग पता है एग्जैक्टली ये केस का क्या है। ये एक इतना सेंसिटिव केस है, इट्स नॉट अबाउट, इट्स ए माइनर केस। जो अभी ये है कि पोक्सो केस के अंदर में ये, जैसे कि 21 स्टूडेंट जितना है अभी, तो अभी इतना मेंटल ट्रॉमा है बच्चा लोग। तो सब लोग अभी ऐसा है कि ना, पेरेंट्स लोग अभी यहाँ आया हुआ है, तो वो लोग ऐसा है कि ये पेरेंट्स लोग का अभी ऐसा है कि वो लोग अपना बच्चा को कैसा करके वो लोग अभी वो करेगा ना। मतलब अभी बच्चा लोग को भी ऐसा हो कि ट्रॉमा में चला गया कि वो लोग अभी स्कूल जाना नहीं चाहता है। तो हम लोग ऐसा है कि अभी जो अभी एक्यूज है वो फ्रीली घूम रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में अभी फ्रीली घूम रहे हैं। तो अभी बच्चा लोग का अंदर में एक डर रह गया, अरे इतना बड़ा क्राइम करके वो बाहर में कैसा घूमेगा। तो हम लोग इसलिए ये है कि इस केस में हम लोग ऐसा है कि अभी हम लोग का सोसाइटी जो कैपिटल रीजन में है, तो हम लोग अभी जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये जस्टिस मिलने के लिए। तो इसीलिए अभी जितना आप लोग इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स है, जितना CBO NGO लोग है, आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा केस नहीं है, ये इंटर एरिया का है। और ये ऐसा है कि आप लोग का बच्चा के ऊपर भी हो सकता है ऐसा चीज़, तो इसमें आप लोग ऐसा होना है कि जितना है हम लोग को भी हेल्प करना है इस ये केस के लिए। उसके बाद में मेरा हॉनरेबल कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग, जैसे कि अभी कल है हम लोग का हियरिंग, जो अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ अभी, तो हॉनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग, जैसे कि नेक्स्ट अभी आपका हियरिंग जो ट्रायल शुरू होगा वो 4 अक्टूबर को रखा है, तो ये तो आपका वो समय में क्या होता है कि ये हॉलीडे का समय होता है जिसमें छुट्टी होता है। तो इसको आप लोग काइंडली हॉनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जैसे भी इसको ये प्रीपोन करके आगे रखिए, क्योंकि इसको जैसे भी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इसमें होना चाहिए और इसको जल्दी ये केस को सॉल्व करना चाहिए इस चीज़ को ना। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे। अभी ऐसा है, ये कॉम्पेंसेशन जो है गवर्नमेंट का तरफ से, तो अभी एक वो लोग का प्रोविज़न रखा हुआ है, जो अभी वो लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये सब अभी चल रहा है अभी हम लोग का ना। तो ये अभी जब सबमिशन होगा उसके बाद में हम लोग प्रोसेस अभी कर रहे हैं। हम लोग भी एक सरप्राइज है कि इतना साल कैसा लग गया, क्योंकि एज पर ये पोक्सो का जो एक्ट होता है से अराउंड 1 year and 5 months, तो अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है अभी तक, इट्स बीन 9 months नाउ। तो मेरा ख्याल से अभी तक तो मेरा ख्याल से ट्रायल भी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू अपील द हॉनरेबल कोर्ट एंड दैट इसको स्पीड अप कीजिए, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लाइए, उसके बाद में इसको ट्रायल को जल्दी शुरू कीजिए, यही हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा। इसीलिए हम लोग आज APC ऑफिस में आया है। मेरा नाम डॉक्टर ताची कोचुंग है। हम ये BRBWS जो बो रामो बोकार वेलफेयर सोसाइटी, ये ICR रीजन का ये जनरल सेक्रेटरी है। आज हम लोग APC में आया है, ये हमारा जो कारो में एक गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है, उसमें जो दुर्घटना घटा था, ये एक नाम है जो रेपिस का नाम है, चाइल्ड मोलेस्टर का नाम है, उसका नाम युमकेन बगरा है, जिसका कारण 21 चिल्ड्रन एज रेंजिंग फ्रॉम 6 years to 12 years, ऐसे ऐसे छोटा छोटा बच्चा को ये मोलेस्ट करता रहा। वो उसमें 3 साल जैसे काम किया एज ए वार्डन। वार्डन का असली काम होता है जो बच्चा को, ही वॉज एनश्योर टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, लेकिन उसका ड्यूटी ही कुछ अलग ही था जिसको हम बयान भी नहीं कर सकता है। मेरा यहाँ से जो रोंगटे खड़ा हो जाता है उसका बारे में बात करने के लिए कोशिश करने से, ऐसे इंसान जो है आज फरार होके घूम रहा है, आराम से बाजार में मजा से घूम रहा है। तो ऐसे इंसान तो आराम से घूमेगा तो और बच्चा को टारगेट कर सकता है, इसको फिडोफाइल बोलता है, जो बच्चा को ही अट्रैक्ट करता है वो। तो ऐसे इंसान को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। हम लोग सोसाइटी की तरफ से स्ट्रॉन्गली कंडेम करता है और अपील करता है ऑनरेबल कोर्ट को और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, प्लीज़ काइंडली उसको जल्द से जल्द पकड़िए और उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उसको कैपिटल पनिशमेंट कर दीजिए और ऐसे दुर्घटना ना घटे। हम गालो समुदाय से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग को तो हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप मानता है,
इंटेलेक्चुअल सोसाइटी मानता है गालो सोसाइटी को, प्लीज़ काइंडली आप लोग भी हम लोग को हेल्प करिए उसको पकड़ने में, ऐसे इंसान को चुपने मत दीजिए प्लीज़ काइंडली। ये हम कोई कम्युनल वाला भाषा नहीं बोल रहा है, जस्ट हम अपील करने के लिए गालो सोसाइटी को भी हम रिक्वेस्ट करता है, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अरुणाचल वासी को प्लीज़ काइंडली हम लोग को हेल्प करिए। हम लोग का विक्टिम जो पेरेंट है वो बहुत दुख तकलीफ से यहाँ में घूम रहा है, वो लोग का कोई यहाँ पे सहायता करने वाला नहीं है, तो हम लोग छोटा सा सोसाइटी है तो हम लोग हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप सबको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हमें मदद कीजिए इसको जल्द से जल्द ट्रायल होने के लिए और ये डेट को भी पोस्टपोन करने के लिए, नवंबर अक्टूबर में होने मत दीजिए, इसको आगे कर दीजिए। बस इतना ही अपील है मेरा, थैंक यू।